करनाल में संत शिरोमणि गुरु रविदास सभा न्यू रमेश नगर द्वारा गुरु रविदास मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सांसद कुमारी शैलजा ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस दलित समाज के संवैधानिक अधिकारों को छीनने के लिए कुचक्र चला रहे हैं। इसी के रहते पहले दलित उत्पीड़न एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने परिवर्तन का निर्णय सुनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के संवैधानिक अधिकार आरक्षण से छेड़छाड़ करने से संबंधित निर्णय सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि दलितों को नौकरी उनके लिए आरक्षित कोटे में ही दी जाएगी। इसके खिलाफ हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी और पिछड़े समुदाय को साथ लेकर देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने गुरु रविदास के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और मौजूदा सरकार पर कड़े प्रहार भी किए। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा खड़ा किया जाएगा। दिल्ली के चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल ज्यादा सटीक नहीं होते, क्योंकि हरियाणा में भी यह फेल हुए हैं और ज्यादा सीटें कांग्रेस लेकर आई थी, वह तो सिर्फ कुछ सीटों से ही रह गई, वरना हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार होती। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा, कांग्रेस करनाल संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, असन से विधायक शमशेर सिंह गोगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। संत गुरु शिरोमणि श्री संत महाराज रविदास जी की जयंती पर सबको बधाई देती हूँ और यहाँ पर करनाल में बड़ा शानदार प्रोग्राम ये हर साल रचाते हैं, कल शोभा यात्रा का, आज भंडारे का। इसमें ना केवल एक समाज बल्कि सभी लोग इकट्ठा होते हैं और गुरुओं को जब हम याद करते हैं उस माध्यम से एकता और भाईचारे का संदेश भी है जो सभी लोग लेकर जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि आज के दिन इसकी ज़रूरत भी, भाईचारे की। जब एक और संविधान पर प्रहार हो रहा है, भाई को भाई से अलग करने की साजिश हो रही है, चाहे धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर, तो ऐसे समय में हम जब ऐसा पर्व मनाते हैं तो समाज अपने आप ऐसी साजिशों को नाकाम करने का प्रण ले। मैम, दिल्ली चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल के दौरान कांग्रेस को काफी वीक दिखाई है। अब देखते हैं कल जाएगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि कुरुक्षेत्र में बहुत भव्य मंदिर बनने जा रहा है गुरु रविदास जी के नाम पर, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ठीक है, ये तो अच्छी बात है अगर भव्य मंदिर बनाए, लेकिन केवल मंदिर की बात नहीं, मंदिर तो समाज ने अपने बना रखे हैं जगह जगह पर, तो केवल ये बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि आप समाज के लिए कर क्या रहे हैं। जो गरीब से गरीब समाज है, सबसे दबा कुचला हुआ समाज है, उसके लिए आपने क्या किया? मंदिर तो सबने अपने बनाए हैं, आप एक भव्य मंदिर बनाकर लेकिन समाज को दबाकर, आप देख लीजिए कि क्राइम कितना बढ़ता चला जा रहा है दलितों के खिलाफ और जो हमारे कमज़ोर वर्ग है उसके खिलाफ। और अभी मैं यहाँ पर बात भी करूँगी, लेकिन अभी आपने देखा कि कल जो हुआ सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला हुआ, बात फैसले की भी नहीं है, बात ये है कि कौन गया कोर्ट में। ये भारतीय जनता पार्टी का असली एजेंडा है, जो हम हमेशा कहते हैं आरएसएस का ये असली एजेंडा है और वो बेनकाब होते हैं। ये लोग ही, बीजेपी के लोग कोर्ट में गए थे इसके खिलाफ, प्रमोशन में जो ये जी इसके खिलाफ। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो ये आरएसएस का एजेंडा है जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ। पहले भी आपने देखा, पहले भी देखा, तो अब इसके खिलाफ आगे हर तरह से इसको आगे देखना पड़ेगा कि कैसे ठीक किया जाए। आपको याद होगा कि पिछली बार जो उत्पीड़न वाला मामला था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जब इस तरह की बात आई थी तो देश में एक आंदोलन चला और उसमें सभी ने मिलकर वो आंदोलन किया, प्रेशर डाला गया, कांग्रेस पार्टी ने प्रेशर डाला क्योंकि वो कानून हम लेकर आए थे, राजीव जी के समय में लेकर आए थे और फिर मेरे समय में हमने ऑर्डिनेंस किया था, लेकिन बीजेपी ने वो ऑर्डिनेंस लैप्स होने दिया और उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो आपने मैडम आपको 10 महीने हो गए अध्यक्ष बने आप संगठन 10 महीने कब से हो गए भाई गिनती तो कर संगठन कब तक 100 दिन की उपलब्धियां गिनाई है आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या कहना चाहोगे उसके आप देख लीजिए 100 दिन में इस सरकार ने क्या दिया है घोटाले दिए और घोटाले तो हुए हैं वो सामने आए हैं वो घोटाले हमने नहीं बनाए इनकी सरकार के बनते ही ये तरह तरह के घोटाले और वो सीए जी ने भी कहा वो सारी बातें सामने आई हैं चाहे अब देख लीजिए कि बड़े से बड़े चाहे धान की बात हो वो घोटाला हुआ एक एक पेपर लीक हुआ है इनका एक एक पेपर मतलब विपक्ष का नाकाम रहा उन जो आप गिनाते हो कैमरे के सामने गिनाते हो विपक्ष कभी नाकाम नहीं रहा विपक्ष ने जबकि चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो बीजेपी को 75 पार दे रहे थे और कांग्रेस को बिल्कुल आपने 0 पर कर रखा था लेकिन विपक्ष नाकाम नहीं रहा कांग्रेस के पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ ही और आम लोगों ने मन बना रखा था आप देख सकते हैं कि जब 75 पार कहे तो थोड़ी सीटें तो 2-4 इधर उधर हो जाती हैं वरना सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली हम लोग हर तरफ चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सड़कों पर हो चाहे आपके माध्यम से हो हम लोगों की बात उठाते रहे और आगे आगे तो बिल्कुल उठा और दिल्ली में क्यों नहीं आप कांग्रेस का प्रचार क्यों नहीं हो रहा मैडम दिल्ली में कितनी सीटें जीत रही है कांग्रेस प्रचार कम किया सीटों का तो क्या कह सकते हैं देखो पीछे कमजोरी काफी रही थी कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में सरेंडर लेकिन उसके बावजूद मेहनत की है और हमें पूरी उम्मीद है कि बैकडोर से समर्थन दिया गया आम आदमी पार्टी कोई बैकडोर कुछ नहीं ऐसी कोई प्रदेश में संगठन कब तक बन जाएगा अपना जिला और बूथ स्तर पर वो भी हमने करना है अभी हमारा सदस्यता अभियान भी होना है मैडम आखिरी सवाल है बजट को लेकर क्या कहना चाहेंगे हरियाणा का बजट आने वाला है किस तरह की यानी आपको लगता है कि सरकार बजट लेकर आएगी ये लोग दिखावा करते हैं कि हम उससे पूछेंगे ये करेंगे वो ये कैसी सरकार है जिसको खुद मालूम नहीं कि लोगों के लिए क्या करना चाहिए ठीक है लोगों से पूछ रहे हैं हम देखते हैं भी करेंगे कि एमएलए से पूछेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एमएलए से पूछकर खास करके जो विपक्ष के हैं उनकी बातों को भी उन पर भी गौर किया जाएगा और उनके कोई ऐसा इनविटेशन आया कांग्रेस के एमएलए को इनविटेशन मिला है सरकार से कोई कि आप भी अपनी सुझाव दीजिए वो तो इन्होंने कहा है ना कि 3 दिन का सत्र होगा उसमें सभी एमएलए से सुझाव लेंगे अब हम देखेंगे कैसा सत्र है और कैसे सुझाव और उस पर क्या अमल क्योंकि केंद्र का जो बजट हुआ उसमें तो हरियाणा खाली हाथ वापस मैडम हरियाणा में संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden World class catering centrally air conditioned lush green lawns state of the art lighting a perfect venue for wedding launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद